हेलो एवरीवन, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है डहेलिया का प्लांट। और इस प्लांट की कैसे क्या किया जाए, इसको कैसे ग्रो किया जाए, कैसे से अच्छे फूल लिए जाएं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे डहेलिया के बल्ब जो है मैंने इस गमले खाली पड़े गमले की मिट्टी में दबा दिए थे और गर्मियों भर मैंने उसमें उतना ही पानी डाला ताकि हमारे जो बल्ब्स हैं वो सूखे नहीं, उसमें अच्छी नमी बनी रहे। और इसको मैंने एक शेडी प्लेस पे जहाँ पे धूप नहीं आती है ओपन एरिया में ही रख रखा था। और इसमें से चूहों ने बहुत सारी मिट्टी निकाल दी, भगवान का शुक्र है कि उन्होंने बल्ब्स को डैमेज नहीं किया। तो अगर आप लोगों ने भी ऐसे बल्ब लगा रखे हैं मिट्टी में तो आपके प्लांट ऐसे निकलने लगे होंगे। देखिए ये हैं बल्ब्स। और अगर आपने अभी भी अपने डहेलिए के बल्ब्स किसी कोकोबेट में या कागज़ में बंद करके रख रखे हैं तो आप उनको मिट्टी में लगा दीजिएगा। इस तरीके से उसमें प्लांट निकल आए होंगे तो उनको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और जो कटिंग के लिए मैंने गमला तैयार किया है उसकी मिट्टी में मैंने सिर्फ गोबर खाद और सूखी पत्तियों के अलावा कुछ नहीं मिलाया है। अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है, कठोर है, तो उसमें रेत मिलाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और गमले में होल होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरी यहाँ की मिट्टी तो काफ़ी ऑलरेडी रेतीली होती है तो मैंने मिट्टी में रेत बिल्कुल भी नहीं डाली है। और हाँ, जब भी आप इसकी कटिंग तैयार कर रहे हो तो कुछ समय के लिए आप उसको शेडी प्लेस पे रखिए, ओपन एरिया हो, कहीं भी बंद कमरे में ना रखिएगा प्लांट। और ये जो मेरे दोनों प्लांट हैं मैंने इसी बल्ब में से, जैसे ये प्लांट है इन्हीं को मैंने बिल्कुल नीचे से तोड़कर इस गमले में लगा दिया था। और कटिंग लगाए हुए करीब 20 से 25 दिन आसानी से हो गए हैं और इनकी जो हेल्थ है इसको देख के साफ पता चल रहा है कि इसमें रूट्स अच्छी सी बन चुकी हैं। और मिट्टी में आप किसी टहनी या पेंसिल की मदद से होल कर सकते हैं और उसमें कटिंग ऐसी ईजिली आप लगा दीजिएगा तो देखिएगा खूब अच्छी सी ये हेल्थ हो की है। और जैसे जैसे इनकी हेल्थ और ये बढ़ेंगे मैं इनको सेफ्रेट किसी बड़े गमले में लगा दूंगी। अगर आपने मिट्टी में सॉरी जमीन में लगा रखा है तो ठीक है, लेकिन अगर हम इनको गमले में लगाते हैं तो डहेलिया का प्लांट हमेशा चाहे आप खरीद के ला रहे हो, कटिंग हो, आप बड़े गमले में लगाइएगा ताकि उसकी जो फ्लावरिंग हो वो अच्छी बड़े फ्लावर हमको प्राप्त हो सके। और हाँ, अगर आपने मिट्टी में बल्ब लगा रखे हैं और ऐसे ही आपके प्लांट निकल रहे हैं तो आप उनकी कटिंग जरूर लगाइएगा। अगर आपने यूं ही प्लांट लगे रहने दिए तो उसमें से फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। और देखिए अब इनकी हेल्थ अच्छी हो चुकी है तो मैं इसको धूप में रख दूंगी और जैसे जैसे ये बड़े होंगे मैं इन दोनों को अलग अलग गमलों में कर दूंगी। और दोस्तों, जो डहेलिया के प्लांट होते हैं उनको सर्दियों की धूप बहुत अच्छी लगती है तो हमेशा अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर उस पर पूरी सर्दी भर खूब अच्छे से धूप पड़े ताकि जो जो हमारा प्लांट है उसकी फ्लावरिंग अच्छी हो। धूप जितनी अच्छी मिलेगी उसके जो फ्लावरिंग का फ्लावर का साइज होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो देखो, और हाँ, इसी तरीके से आप गुलदाउदी की भी कटिंग जो आपके पुराने प्लांट लगे हुए हैं आप उसमें से हटाकर उनकी कटिंग अलग अलग गमलों में लगा दीजिएगा ताकि उसमें फ्लावरिंग अच्छी हो और फ्लावरिंग खूब अच्छी सी आए। तो दोस्तों, पानी की बात कर लें तो पानी जैसे मिट्टी सूखे जैसे दिन भर में अगर आपकी मिट्टी सूख जाती है तो पानी आप उसमें दीजिएगा। अगर बारिश हो रही हो तो पानी उसमें अभी इस समय ना दीजिएगा। और जो खाद है अभी एक बार हमने दे दी, एक बार हम तब देंगे थोड़े जब प्लांट और बड़ा हो जाएगा करीब महीने भर बाद, और उसके बाद में जब उसमें बड्स आने का टाइम होगा, बड़ आने लगेंगे तब हम उसमें खाद देंगे। और खाद के रूप में आप इसको गोबर खाद, बर्मी कंपोस्ट आदि दे सकते हैं। इसके अलावा आप उसको सूखी पत्तियों की खाद भी दे सकते हैं, सूखी चाय की पत्ती की खाद भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की वीडियो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना के दिखा सकूँ। और हाँ, मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ जो कि होते हैं काफ़ी लो बजट एंड नो बजट के साथ में। और हाँ फ्रेंड्स, एक प्लांट मुझको अभी जल्दी में मिला है और हम लोग कहीं गए हुए थे तो एक लोग जो भैया थे उनके हाथ में दो डिस्पोजल के गिलास मैंने देखे। तो एक गिलास में एक जो प्लांट था वो मैंने अभी आपको दिखाती हूँ। हमेशा से मेरा मन था कि मैं प्लांट लगाऊं पर कभी मुझको ना ही किसी नर्सरी में देखा ना ही किसी रिलेटिव के घर पर देखे ये। तो ऐसे ही वो भैया डिस्पोजल गिलास में लिए हुए थे और बिल्कुल मुरझाई हुई सी बेल थी, मुझको लगा नहीं था कि ये हो जाएगी लेकिन ये अच्छी सी ग्रोथ पकड़ ली है। और मैंने पता नहीं कैसे उनसे मांग लिया, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि जल्दी मैं किसी से बात नहीं कर पाती, किसी से कुछ मांगना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, अगर कोई कुछ
लेना चाहे प्लांट में तो मैं उसे दे जरूर देती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से कनेर के पेड़ पे चढ़ रही है। तो जिन भी भैया ने मुझे ये दिया था उनका दिल से थैंक यू, और दोस्तों आगे भी बने रहे हमारे साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।